हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे चैनल पर। आज हम किरण सिनोनिम्स पार्ट 15 करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी किए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिवाइड। डिवाइड यानी कि होता है बांटना। किसी चीज़ को दो पार्टों में बांटने को बोलते हैं हम डिवाइड या बिफ्यूरकेटेड। बिफ्यूरकेटेड मीन्स क्या होता है, दो भागों में बांट देना। डिसेक्टेड, डिसेक्टेड यानी कि होता है विच्छेदन करना या फिर पार्टों में बांट देना। डिसेक्टेड। इवेल्यूएट, इवेल्यूएट यानी कि होता है मूल्यांकन करना, जांचना किसी चीज़ को। एब्यूज्ड, एब्यूज्ड यानी होता है गाली देना, ठीक है, एब्यूज़ करना किसी व्यक्ति को। अनएनिमिटी, अनएनिमिटी यानी कि होता है सर्वसम्मति या बिना दुश्मनी के। एनिमिटी यानी क्या होता है, दुश्मनी, और अनएनिमिटी यानी कि होता है सर्वसम्मति से कोई काम होना। कंप्लीट एग्रीमेंट अबाउट समथिंग अमोंग अ ग्रुप ऑफ अ ऑफ पीपल। कॉन्सेंसुअस, कॉन्सेंसुअस मतलब भी क्या होता है, सर्वसम्मति, जिस पर सबकी सम्मति हो। नेक्स्ट हमारा इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी यानी क्या होता है, धीरज। इक्वेनिमिटी यानी क्या होता है, धीरज होना, धैर्य होना। इक्वेनिमिटी, अ क्लैम स्टेट ऑफ माइंड विच मीन्स दैट यू डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मीन्स आप कभी भी अपसेट नहीं होंगे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। मैग्निमिटी, मैग्निमिटी यानी होता है उदारता या विशाल हृदयता होना। मैग्निमिटी यानी क्या होता है, उदारता होना, ठीक है, विशाल हृदयता। एक्सट्रीमली जेनरस एंड लिबरल, ठीक है, उदार व्यक्ति। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी यानी क्या होता है, नज़दीक होना। प्रॉक्सिमिटी यानी क्या होता है, बिल्कुल नज़दीक होना। अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली यानी क्या होता है, जिसका हम इरादा नहीं करते, मतलब जानबूझकर कोई काम हो जाना। नॉट इंटेंशनली, नॉट डन डेलिबरेटली बट हैपनिंग बाय एक्सीडेंट, अचानक कोई काम हो जाना। अनइंटेंशनली जानबूझकर नहीं करते हम वो काम, अपने आप हो जाता है, ठीक है। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट यानी क्या होता है, विदाउट इंटेंशन, बिना किसी इरादे के, ठीक है। थॉटलेस, थॉटलेस यानी क्या होता है, लापरवाह व्यक्ति, ठीक है। नॉट केयरिंग अबाउट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ योर वर्ड्स और एक्शंस ऑन अदर पीपल। इंसान यानी क्या होता है, इंसान कैसा है, पागल है, बावला है इंसान। अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट यानी क्या होता है, ना समझ व्यक्ति, जो इंटेलिजेंट नहीं है। स्प्रेड, स्प्रेड यानी क्या होता है, फैला हुआ, और स्प्ले यानी कि भी क्या होता है, फैला हुआ होना, स्प्ले। रिफ्रेन, रिफ्रेन यानी होता है परहेज करना, एब्स्ट्रेन करना किसी चीज़ से। एब्स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, परहेज करना, और रिफ्रेन यानी भी क्या होता है, परहेज करना। इंसिस्ट, इंसिस्ट यानी क्या होता है, आग्रह करना, ठीक है। इंसिस्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वह वहाँ जाने की जिद करता है, ही इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर। प्रसिस्ट, प्रसिस्ट यानी क्या होता है, डटे रहना, कैसी भी स्थिति हो आपको क्या करना चाहिए, परसिस्ट बने रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। रेसिस्ट, रेसिस्ट यानी होता है विरोध करना, और प्रसिस्ट यानी क्या होता है, विरोध करना। ये एक जैसे लगते हैं तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना। रेसिस्ट यानी क्या होता है, विरोध करना, और परसिस्ट यानी क्या होता है, दृढ़ बने रहना। फेक, फेक यानी क्या होता है, नकली, और काउंटरफीट, काउंटरफीट यानी क्या होता है, नकली, जाली, खोटा, ठीक है। कॉन्स्टेंट यानी क्या होता है, लगातार कोई काम होते रहना, निरंतर, कंटिन्यूसली कोई काम होते रहना। अननोन यानी क्या होता है, अनजान व्यक्ति। वाइज्ड, वाइज्ड यानी क्या होता है, पक्षपाती, मेकिंग अनफेयर जजमेंट, जो गलत डिसीजन देता है, ठीक है, गलत जजमेंट देता है। नॉरिसिंग, नॉरिसिंग यानी क्या होता है, पुष्टिकारक, मीन्स नॉरिश यानी होता है फलना फूलना, ठीक है, ग्रोथ करना या फलना फूलना। बाउंड, बाउंड यानी क्या होता है, चोट लग जाना, घाव पड़ जाना। या ब्लिस्टर यानी भी क्या होता है, फपोला या छाला, जब आपके गाल में छाला पड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। और बाउंड यानी भी क्या होता है, चोट या घाव लग जाना। चैटर यानी क्या होता है, बकबक करने वाला। ट्रबल यात्रा, और अटैक यानी क्या होता है, आक्रमण करने वाला। ट्रबल यात्रा और अटैक, हमला करने वाला। इमोशनल शॉक, ट्रूमा, सदमा लग जाना, ठीक है, कोई भी मानसिक आघात लगना या फिर सदमा लग जाना, इमोशनल शॉक लग जाना। एक्सीडेंट यानी क्या होता है, दुर्घटना हो जाना कोई, करेक्ट तो करेक्ट ही होता है, ठीक है, सही। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई यानी क्या होता है, एमिल्योरेट करना, किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है। एमिल्योरेट मतलब भी क्या होता है, सुधारना, और रेक्टिफाई यानी भी क्या होता है, सुधारना, रिपेयर करना। प्रोसीड, प्रोसीड यानी क्या होता है, आगे बढ़ाना, प्रोसीडिंग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, प्रोसीडिंग यानी क्या होता है, आगे बढ़ाने वाला।
सेटिस्फाई, सेटिस्फाई यानी संतोष, ठीक है, संतोष देना या प्रसन्न होना, सेटिस्फाइड हो जाना किसी चीज़ से। इंसर्ट यानी क्या होता है, घुसीड़ना या शामिल करना, इंसर्ट करना, इंसर्ट करना। नेक्स्ट हमारा एसेटेटिक, एस्टेटिक, एस्टेटिक यानी क्या होता है, भाव विभोर हो जाना, एस्टेटिक यानी क्या होता है, भाव विभोर हो जाना। एक्साइटेड एंड एंथसियास्टिक, जुबिलियंट यानी क्या होता है, उल्लासित हो जाना, ठीक है, जुबिलियंट उल्लासित हो जाना बहुत ज़्यादा, फीलिंग और शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस। ब्रिलियंट यानी क्या होता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति। प्राउड, प्राउड यानी क्या होता है, अभिमानी व्यक्ति, ठीक है, जो प्राउड करता है, घमंड दिखाता है। ग्लूमी यानी क्या होता है, निराशाजनक या उदास होना, ठीक है, डिप्रेसिंग यानी क्या होता है, निराशाजनक या उदासी। डिसअपॉइंटेंट, डिजेक्टेड यानी क्या होता है, उदास, और डिसअपॉइंटेंट यानी भी क्या होता है, निराश हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना। डिजर्टेड यानी क्या होता है, उजाड़, डिजर्ट, आप डिजर्ट में गए तो आप क्या हो जाएंगे, विथ नो पीपल इन इट, एबंडेंट, मतलब खाली छोड़ देना या अकेला छोड़ देना, डिजर्टेड छोड़ देना। रिजेक्टेड यानी क्या होता है, अस्वीकार कर देना। रिपेंटेंट, रिपेंटेंट यानी होता है पश्चातापी, रिपेंटेंट यानी क्या होता है, पश्चातापी होना। और फ्रीडम यानी क्या होता है, स्वतंत्रता। लिबरेटी यानी क्या होता है, मुक्त कर देना, लिबरेट कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है, स्वतंत्रता इसका मतलब भी। इक्वेलिटी यानी क्या होता है, समानता होना, इक्वल। चैरिटी यानी दान। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी होता है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। मार्वलस यानी क्या होता है, मार्वलस, बहुत ही शानदार, अद्भुत, मार्वलस। फेबुलस यानी भी क्या होता है, आश्चर्यजनक, विस्मयकारी, अद्भुत। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। इंटरेक्ट, इंटरेस्टिंग यानी क्या होता है, रोचक, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, ठीक है। चार्मिंग, चार्मिंग यानी क्या होता है, मनमोहक। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।